हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से कैनवा की मदद से हम रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, ब्यूटीफुल सा रेज्यूमे क्रिएट करने वाले हैं। सो गाइज, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करें, तभी आपको सही समझ में आने वाला है, सभी चीज़ें समझ में आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कैनवा के होम पेज के अंदर हूँ और मुझे रिज्यूमे क्रिएट करना है, तो आप देख पा रहे होंगे, या तो आप सर्च कर सकते हैं कैनवा के इस वेबसाइट के अंदर ही, या फिर आपको मिल जाएगा रिज्यूमे नाम का एक ऑप्शन, जिसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे अपना टेम्पलेट। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक ब्लैंक टेम्पलेट मेरे पास पड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक टेम्पलेट हो, तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा और उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत सारे रेज्यूमे के टेम्पलेट्स। तो सिंपल रेज्यूमे, इन्फोग्राफिक रेज्यूमे, कॉरपोरेट रेज्यूमे और भी बहुत सारे इंडस्ट्री टाइप्स के रेज्यूमे यहाँ पे रेज्यूमे के टाइप्स या टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक टेम्पलेट उठाया है सिंपल रेज्यूमे वाला, और आप इसमें देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ ये रेज्यूमे बनकर अपने पास है। लेकिन गाइज, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। क्या मिस्टेक्स हैं गाइज? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नाम किसी और का है, तो हम अपना नाम डाल देते हैं डिजिटल दिनेश। आप अपने अकॉर्डिंगली डालें, आप अपने जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंगली डालें कि किस तरीके की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी तरीके से आप अपना रेज्यूमे क्रिएट करेंगे तो बेटर रहेगा। ज़रूरी नहीं कि आप इसी की कॉपी करें, आप मतलब अपना दिमाग लगाइए। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से कैनवा की मदद से आप ब्यूटीफुल सा एक रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे कलर्स डाल सकते हैं, अलग अलग टाइप से आप साइकोलॉजी का मतलब सब समझ के अच्छा कलर, अच्छे फॉन्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एकदम प्रोफेशनल रिज्यूमे यहाँ पे नज़र आ रहा है, सब मोबाइल नंबर वगैरह, लोकेशन भी डाल सकते हैं और ईमेल आईडी और आपका लिंक्डइन आईडी जो भी है वो डाल सकते हैं। फिर इसमें क्या लिखा हुआ, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर विथ ओवर 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन द टेक इंडस्ट्री, प्रोवाइडिंग अ वैल्यूएबल एक्सपर्टीज टू स्टार्टअप बिजनेसेस, एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज और आपके स्किल्स, वो सारी डिटेल्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फिलहाल मैं अपना लिंक्डइन आईडी वगैरह वो डाल देता हूँ, ताकि ये एकदम प्रोफेशनल रेज्यूमे आपको लगे। अब देखिए, मुझे कुछ कलर्स वगैरह सही नहीं लग रहा, तो मैं सबसे पहले इनका कलर वगैरह सही करूँगा। और पहले तो इसका कलर चेंज करते हैं, तो इसका रेड में कैसा नज़र आ रहा है? नहीं भाई, इसका अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, वही पूरा चेंज करना चाहता हूँ। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले मैंने इसको ऊपर क्लिक कर दिया, फिर कलर के ऊपर जाना है, और इसके बाद आपको ये कर दिया मैंने इसका कलर चेंज। सो यू कैन डू वेरी इजीली, आप भी कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, बस जस्ट आपको कैनवा के इंटरफेस को समझना है। मैंने गाइज कैनवा के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बना के रखे हैं, तो आप ज़रूर चेकआउट करना वीडियोज़ को, ताकि आपको और भी अच्छे से मतलब चीज़ों को सीखने को मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली आप उन वीडियोज़ को भी चेक करें, और अब आप देखिए इसके अंदर जो भी आप चेंजेस और करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि इस टूल के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर, इस ऐप के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप ब्यूटीफुल सा बहुत ही शानदार ढंग से अपना रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। बस डिपेंड ऑन यू, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने डिज़ाइनर वाले हैं, मतलब किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं भी है तो डोंट वरी, आप इस सरल के साथ बने रहिए, आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और अभी हम देख रहे हैं कि अपना रिज्यूमे बनके तैयार हो रहा है। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, अब हटा क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लग रहा था इसके लिए। अब आप चाहेंगे कि इसके अंदर अपना फ़ोटो डालें भाई, तो अपना फ़ोटो भी डाल सकते हैं। किस तरीके से डालेंगे, तो अपलोड्स के अंदर जाएंगे या फिर एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पे अपना जो भी अपलोड कर सकते हैं फ़ोटोज। और इसके अंदर मैं जस्ट एक ऐसे ही डाल रहा हूँ कि कंप्यूटर का फ़ोटो कैसे लगता है। यहाँ पे आप अपना फ़ोटो डाल सकते हैं। अब डिपेंड ऑन यू कि आपकी जॉब, किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस तरीके से, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली अपना फ़ोटो डालें। नहीं तो आप फ़ोटो नहीं भी डालेंगे तो भी चलता है, लेकिन फ़ोटो डालेंगे तो और भी अच्छा है। तो मैं यहाँ पे एकदम फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लग रहा है, लेकिन इन चीज़ों में थोड़ा वक्त लगता है। वीडियो में छोटा रखना, इसके लिए मैं जस्ट आपको एक थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस तरीके से ये सर्कल पूरा है, तो इस सर्कल को कैसे आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, सब एकदम फिक्स, एकदम एग्जैक्टिस, एकदम बहुत सारा अच्छा डिज़ाइन करके फिर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको फिलहाल डाउनलोड करने का एक बता देता हूँ कि इसमें पे एंड डाउनलोड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहेंगे डाउनलोड विद वाटरमार्क, तो आपको फ्री डाउनलोड करने का भी मौका मिलेगा। अब वाटरमार्क हटाने का एक ही तरीका है बॉस, कि आप कैनवा को पे करिए और फिर आपको एकदम ये फ्री दे देगा
इनका जो भी टूल्स हैं। सो गाइज, मैं होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और भी कुछ डाउट्स है तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड लव यू ऑल। जय हिंद।